अस्सलामो अलैकुम देवियों तो सज्जनों प्यारों तो प्रभु, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक्शन मूवी जिसका नाम है क्रैक जीतेगा तो जीतेगा, और इसके राइटर डायरेक्टर हैं आदित्य दत्त, और इसके को राइटर हैं रेहान खान, सरीम मोमिन, और इसकी जो कास्ट है उसमें है विद्यत जैमवाल और एमी जैक्सन, नूरा फतेह और अर्जुन रामपाल। ये मूवी जो के है ये लफ्ज़ों में बयान करने वाली मूवी नहीं है, ये बहुत ही क्लासिकल किस्म का इसमें एक्शन है। ये कोई हॉलीवुड की टाइप मूवी है, जैसा कि अब बॉलीवुड की मूवीज़ को देखने को रू ही नहीं करता कि साउथ की मूवीज़ ज़्यादा अच्छी आती हैं, लेकिन इस मूवी में जो एक्शन है वो भरपूर किस्म का एक्शन है। एक्शन क्या है कि 10 में से 100 है इसमें जो एक्शन है ना, वो अगर हम इसकी एक्शन की बात करें ये बहुत ही आला किस्म का एक्शन है, और मूवी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो मेरे दोस्त ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे दोस्त चैनल के ऊपर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इमरान सुल्तान तन फेसबुक पेज को भी लाइक करें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। ये मूवी जो के है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड ही बनाई गई है, इसमें एक्शन बहुत ही आला किस्म का एक्शन है, जो कि जैसी मूवी शुरू होती है तो एक ट्रेन चल रही है, तो उसमें बस ऐसे स्टंट वगैरह एक हीरो करना शुरू कर देता है जो कि ये विद्यत हैं, तो इसको हम हीरो ही कहेंगे। तो अब ये रिव्यू में ये एक्शन बताने वाला नहीं है, तो ये एक्शन करते हैं, स्टैंड करते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं, और इसका जो माँ बाप है वो बहुत ही ज़्यादा इससे परेशान है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और इसको पुलिस वगैरह भी बार बार पकड़ के ले जाती है, लेकिन इसका एक एम है कि ये वीडियो बना के वीडियो को वायरल करे, और एक मूवी में एक मैदान है, एक मैदान कोई वेबसाइट है या कोई जैसा कि ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है ना, ऐसे ही कुछ है जिसमें मैं दुनिया के बहुत ही दूर दूर से ये एक्शन वालों को और ये स्टंट करने वालों को लाया जाता है, और उसमें जीने मरने का होता है, लोग मर भी जाते हैं। तो ये जैसे ही ये वीडियो इसकी हिट होती है जो भी, तो इसको बुला के ले जाया जाता है वहाँ पे मैदान में कौन है वहाँ पे, फिर अर्जुन रामपाल जो है वो एक पहला विनर है, और वो क्या पहले दिखाया गया कि वो जो ऑनर है उसका बेटा दिखाया गया, लेकिन वो उसका बेटा होता नहीं है, उसने उसको ले के पाला होता है। तो इस किस्म की ये मूवी है, तो इसमें मैं पहला रेस फर्स्ट में विन करना है, फिर सेकंड में विन करना है, और जो थर्ड में विन करेगा उसका मुकाबला देव के साथ होगा। देव कौन है? ये अर्जुन रामपाल है। तो पहली रेस वो होती है, तो ये जो हीरो है ये विन कर जाता है, और हीरो को आदत है कि अपने भाई की रूह से बात करने की। उसका भाई भी ये मैदान में आया था और वो मर गया था, लेकिन उसकी की जो दौलत है उसका जो हिस्सा था वो उसके घर में पड़ा है, जिसकी प्राइज मनी को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया, ये उसकी मौत का बदला लेने के लिए आया। तो इसके यहाँ पे इसका इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है नूरा फतेह, जो कि जैसा कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इंस्टाग्राम पे, लड़कियाँ जो कि ना एक्टर हैं ना ही वो मॉडल हैं, बस उन्होंने क्या करनी है, उन्होंने स्नैप बनानी है, तस्वीरें खींचनी है, और वो स्टार बनी हुई हैं। तो नूरा फतेह भी ऐसे ही है, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर ये इस सारी चीज़ को कवर करती है, तो वो भी एक स्टार बनी हुई है मूवी के अंदर। तो इसमें एक और भी इसमें करैक्टर है जो कि एमी जैक्सन, जो कि बहुत ही प्यारी हीरोइन है, तो वो एक पुलिस वाली बनी हुई है। तो ये जो हीरो है ये जब नूरा फतेह को लेके ये बाहर जाता है क्रैक से जो मैदान है, तो इनके हाथों पे वो पट्टे भी लगाए हुए हैं, तो जिससे इनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस होती है। तो ये जो एमी जैक्सन है ये इसको दो चिप देती है कि आपने वहाँ पे जाके लगानी है मैदान में, तो हमने उनको बतौर ट्रेस करनी है। ये जो नूरा फतेह है वो उसकी कंप्लेन कर देती है, तो हालांकि वो उसी के साथ डेट के ऊपर आई थी, तो एक चिप वो दे देता है, दूसरी चिप वो एक काले हफ्शी को लगा देता है, तो काला हफ्शी पकड़ा जाता है। तो इस किस्म से करके सेकेंड जो रेस है वो कैंसिल हो जाती है,
क्योंकि ये जो अर्जुन रामपाल वगैरह जो हैं ये कोई लिक्विड सा भी ये सेल आउट ये करने जा रहे हैं जो कि एटम बम बनाने में मददगार होगा। तो लेकिन ये फिर वहाँ पे आ जाता है और जो मालिक है वो कहता है कि इसको रेस की इजाज़त है और ये इसका बहुत ही सीन चल पड़ा है दुश्मनी वगैरह अर्जुन रामपाल के साथ, क्योंकि जो एमी जैक्सन है वो उसको कहती है कि ये तेरे भाई को इसने मारा है। तो उन्होंने बम वगैरह काफ़ी लगाए होते हैं, ये बम वगैरह फोड़ देता है। यानी कि रिव्यू में ये मूवी बताने वाली नहीं है, लेकिन ये भरपूर ये एक्शन ही एक्शन है, तो बहुत आला किस्म का एक्शन है। रेस 2 भी ये हीरो जीत जाता है, रेस 3 भी जीत जाता है, एंड के ऊपर इसका अर्जुन रामपाल के साथ वो मुकाबला होता है और ये उसको भी हरा देता है। और लेकिन वो मरने से पहले इसको बता देता है कि तेरे भाई को मैंने नहीं मारा, और उसको किसने मारा होता है, उसको ये जो मैदान का ऑनर है उसने उसको मारा होता है, तो ये उसको भी ख़त्म कर देता है। और ये मूवी आपको देखने का मज़ा आएगा। और प्लीज़ जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं मेरी ये वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत। तो ये जो मूवी है ये 10 में से 100 मूवी है, टोटली एक्शन है और ये बॉलीवुड की नहीं लगती, ये हॉलीवुड की किस्म का इसमें एक्शन दिखाया गया है, जो आके आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत।